हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, फाइनली पोषण ट्रैकर ऐप में काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव और नया बदलाव आप सभी को देखने को मिलेगा। जी हां, पोषण ट्रैकर ऐप में जैसे कि अभी तक आप आंगनवाड़ी सेविका ही काम कर रही थी, लेकिन अब जो है पोषण ट्रैकर ऐप में जो बदलाव किया गया है उसमें अब आंगनवाड़ी सेविका के साथ साथ जो आंगनवाड़ी क्षेत्र के लाभुक हैं, बेनिफिशरी हैं, वो भी पोषण ट्रैकर ऐप पर काम कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी बदलाव पोषण ट्रैकर ऐप में हो गई है। आइए आज के इस वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से जो है पोषण ट्रैकर ऐप में जो लाभुक है वो वहाँ पे लॉगिन करेंगे और पोषण ट्रैकर ऐप में क्या क्या न्यू अपडेट आई है, सारा कुछ मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग अभी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो है अब जो नया बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 21.5 के अपडेट में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है पोषण ट्रैकर ऐप को यहाँ से अपडेट करेंगे। यहाँ पे आएंगे प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पर जो है अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो है अपडेट कर लिया है और इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं चलिए उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके यहां से ओपन करके दिखा देता हूं कि यहां पे अब जो है आप लोगों का जो इंटरफेस रहेगा वो पोषण ट्रैकर ऐप का किस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारा कुछ लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अब कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जो आप लोगों का इंटरफेस दिखाई दे रहा है वो है आंगनबाड़ी वर्कर और यहाँ पर बेनिफिशरीज या सिटीजन लॉगिन। ठीक है, तो बेनिफिशरी और सिटीजन लॉगिन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी वर्कर के जो लॉगिन पेज को चेंज किया गया है वो किस प्रकार से यहाँ पर दिखाने वाला है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर पे। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे दिखाएगा लॉगिन करते टाइम। ठीक है, तो जो भी आंगनवाड़ी सेविका बहने देख रही हैं वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को जो है नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे पोषण अभियान का लोगो भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोषण अभियान का लोगो है वो दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है साइन इन टू योर अकाउंट। यानी कि अभी मैंने यहाँ पर कई बार ट्राई किया अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करने की, लेकिन अभी यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ पे घबराना नहीं है, लॉगिन ज़रूर होगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी आप लोगों को वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो है फॉरगेट पासवर्ड पे भी क्लिक करके यहाँ पे जो है अपना एम पिन सेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम पिन सेट भी अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये प्रोसेस जो है अभी लाइव चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं, डियर ऑल प्लीज़ नोट न्यू वर्जन 21.5 इज़ लाइव। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट AWW विल फेस लॉगिन इशू एज दे हैव टू रीसेट देयर न्यू एम पिन। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप पे अभी फिलहाल काम चल रहा है, ये न्यू अपडेट जो आया है अभी इस पर काम चल रहा है। अभी आप लोग लॉगिन करने जाएंगे तो वहाँ पर लॉगिन नहीं होगा, तो इसलिए अभी आप लोगों को घबराना नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन इशू फेस्ड एट ग्राउंड, यानी कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसको यहाँ पे ठीक किया जा रहा है। स्टेट कोऑर्डिनेटर्स मे प्लीज बी रीच्ड आउट टू सॉर्ट द लॉगिन कंसर्न। यानी इस पोषण ट्रैकर ऐप की जो टीम है इस चीज़ को ठीक करने में लगी हुई है, बहुत ही जल्द आप लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे और कुछ भी जो जानकारी यहाँ पे है आप लोगों को दे देता हूँ। फिलहाल अभी आप लोग यहाँ से ये सारी चीज़ों को समझ लीजिए। पहला अपडेट आया हुआ है वो है आप लोगों का जो लॉगिन इंटरफेस है उसको चेंज किया गया है। तो जो है बेनिफिशरी लॉगिन इंटरफेस जो है आप लोगों के लिए दिया गया है, यानी बेनिफिशरी भी अब इस ऐप को यूज़ कर सकती है। तीसरा जो अपडेट है यहाँ पे, फेस कैप्चर प्रोसेस हैज़ बीन सिंप्लीफाइड एंड मोर हेल्प आर इंट्रोड्यूस। यानी कि जो आप लोग फेस कैप्चर के लिए जो आप लोगों को वहां पे ऑप्शन दिया गया है पोषण ट्रैकर ऐप में, जैसे कि लाभार्थियों का भी फेस कैप्चर के लिए पहले भी अपडेट दिया गया था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको भी यहां पे सॉर्ट आउट किया जा रहा है। चौथा अपडेट है माइनर बग फिक्सेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए जो है चार अपडेट यहां पे पोषण ट्रैकर ऐप में 21.5 के न्यू अपडेट में यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे आप लोगों को यहां पे बेनिफिशियरी जो लॉगिन है यहां पे ऑप्शन दिया गया है वो OTP बेस्ड जो है लॉगिन वहां पे कर सकती है। ठीक है, यहां पे आंगनवाड़ी वर्कर जो है अपना लॉगिन कर सकती है, एमपिन यहां पे चेंज करना होगा तभी जो है आप लोग यहां पे लॉगिन कर पाएंगे।
फिलहाल जो है यहाँ पे अभी जो टेक्निकल टीम है यहाँ पे काम कर रही है, तो अभी आप लोगों को ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहनें हैं इस ऐप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद जो भी आपके लिए नई अपडेट आती है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इस चैनल पर जरूर बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।